गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल उत्तराखंड वाला एक्सप्लोरर। तो मॉर्निंग के 7:30 हो रहे हैं और मौसम कल की तरह, रात में बारिश हुई और मॉर्निंग में आते आते ठीक हो गया। अभी बादल है हल्के फुल्के, मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं मिल रहा कोई, कोई नहीं मिल रहा है ही नहीं, भीड़ कैसे मिलेगी। आप तो और सब काम कर लेते हो। अरे गांव में रहते हैं ये भैया हमारे, और आजकल जैसे सीजन का टाइम है तो कंडी का काम करते हैं, बाकी दिनों में ये और काम, रेता उठाना, रेत उठाना, ईंटें बनाना उठाना, बहुत सारे काम कर लेते हैं। ठीक है, बिजी रहते हैं 12 महीने, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे कुछ जो नेपाल से और कुछ छोटे मोटे कंडी का काम करते हैं ये लोग, कुछ ऐसा इनका रैन बसेरा होता है। देखिए आग जला करके मिलजुल कर रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। और जंगलों के बीच दिक्कतें बहुत होती है, ठंडा लगना और पानी का मतलब छप्पर के अंदर पानी जाना। और देखिए अभी आग जला करके कितना खूबसूरत दृश्य यहाँ पर लग रहा है। वाहेगुरु जी के भी दर्शन कर लीजिए परसों के बाद आज। वाहेगुरु जी सबको आशीर्वाद दे, सबके कष्टों को दूर करे। वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी। यह है गोविंद धाम, बादलों के बीच एक खूबसूरत सा शहर गांव, कुछ भी आप कहिए। गोविंद धाम देखिए, दोस्तों ये देखिए गोविंद धाम घांगरिया की बात अलग ही है। बादलों कोहरे के बीच कितना सुंदर, कितना प्यारा नजर आ रहा है अभी गोविंद धाम। वाव, ऊपर हेमकुंड साहिब है, वहां भी बादल अभी लगे हुए हैं, बट यात्रा चल रही है, जा रहे हैं लोग यहाँ से। देखिए काफी खूबसूरत दृश्य है आंखों के सामने। हर दिन ऐसे दृश्य देखने को मिले तो वो एक सुकून से कम नहीं है, एक बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ये देखिए गोविंद धाम किस तरीके से कोहरे और बादलों के बीच ऐसे ढक चुका है। बादल बिल्कुल ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं पास पास से, ये देखिए। ये देखिए कोहरे के बीच कुछ गोविंद धाम ऐसा नजर आता है, देखिए कोहरा ही कोहरा चारों तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे एक हमारे प्यारे सब्सक्राइबर अमन जी से मुलाकात हुई थी परसों भी, आज उनके फैमिली मेंबर्स भी हैं, उनके माताजी भी हैं और उनके और रिलेटिव्स भी हैं, मिलने आए हैं यहाँ पे गुरुद्वारे में। मैं अपडेट करने आया था वीडियो को। तो अमन जी कैसे, रास्ता खराब है बोल करके, कोई दिक्कत आई ऐसे? कोई दिक्कत नहीं, रास्ता अच्छा है ना, क्लीन है, बिल्कुल नहीं चलती। हाँ जी, हाँ जी। अब मैम भी पैदल गई, मतलब कितनी एज है आपकी? 42 की एज में पैदल जाना, मतलब ऐसे रास्ते में बहुत कठिन यात्रा है, मुझे पता है हेमकुंड साहिब की बहुत कठिन है। और मैम लोग भी पैदल ही गए, पैदल ही गए थे आप लोग? थोड़ी दूर चढ़ के थोड़ा चक्कर आने लग गए थे मुझे 2 किलोमीटर यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, पहुँचने से पहले। हाँ जी, आप लोग पैदल गए थे? तो सभी लोग पैदल गए थे, मैम की थोड़ी तबीयत खराब हुई तो इस वजह से वो थोड़ा घोड़े में भी गई है, बाकी मिलके अच्छा लगा। कहाँ से, कौन सी सिटी से हो? चंडीगढ़। चंड करके बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही मुलाकात हर साल होगी। फर्स्ट टाइम आए थे आप? फिफ्थ। आप तो फिफ्थ टाइम आ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लग रहा है हर साल आएंगे जब तक चल पाएंगे अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। आप हमेशा दर्शन करने आए, हमें भी अच्छा लगेगा। बाकी मुलाकात करते हैं अगले साल फिर से, ठीक है? तो बाय कर दो एक बार।
दोस्तों जो अभी मिले थे हमें हमारे सब्सक्राइबर अमन जी, उनके फादर भी हैं, और आप उनके क्या लगते हैं? मैं उनका मामू लगता हूँ। हाँ, मामा जी लगते हैं, रिलेटिव हैं, तो मिलके अच्छा लगा। और ये ढूंढने के लिए शायद हमारे शॉप तक गए थे, मैं यहीं गुरुद्वारे में बैठा था, तो इनसे पहले भी बात हुई, व्हाट्सएप पे भी हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया, बाकी एक्सपीरियंस पूछते हैं। कैसा रहा आपका ट्रैक? सर बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। जैसे अफवाहें आ रही थी कि दिक्कतें हैं बोल के मौसम खराब है, ऐसा कुछ तो नहीं, नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जिसको आना है वो आ ही जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, दर्शन भी किए। आप लोग भी पैदल गए? पैदल गए। फर्स्ट टाइम है आपका? मेरा फर्स्ट टाइम था। बाकी जैसा मैं सोच रहा था कि थोड़ा नॉर्मल ट्रैक होगा, नॉर्मल से थोड़ा सा टफ है। हाँ, टफ तो है। और जैसे सुबह थोड़ा सा बारिश के कारण आधा घंटा हम डिले हो गया था हमारा ट्रैक, लेकिन ऊपर तो मैग्नेट की तरह, तो फिर बाबा जी हमें खींच। हाँ देखो, अगर श्रद्धा से जाते ना, थकान वकान कुछ नहीं लगती है। बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम आए हैं वीर जी। और सर तो पांचवी बार आ रहे हैं? नहीं, सातवीं, छठवीं या सातवीं बार। अच्छा, तो वाइफ और बच्चों को आप 2 साल बाद लाए, 2 साल आने के बाद। चलो कोई बात नहीं, हर साल आप लोगों के भी मुलाकात होती रहेगी, मुझे पता है। अब हर साल आप आने भी वाले हो, आप भी आने वाले हो, तो अच्छा लगा। बाकी आपने अच्छा मैसेज दिया कि कोई ट्रैक इतना वो नहीं था, मौसम खराब की दिक्कत है थोड़ी सी, बाकी वो तो सुबह की दिक्कत, यात्रा जितनी कठिन हो उतना अच्छा लगता है, बढ़िया होती है। तो मुलाकात करके अच्छा लगा, बाकी हर साल मिलते हैं, ठीक है? एक बार बोल दो, बोले आप भी कभी चंडीगढ़ आना, आपको भी वहाँ पर घुमाएंगे। जरूर आएंगे सर, जरूर आएंगे। एक बार बोल दो, बोले सो निहाल। तो दोस्तों अभी कल की तरह, हमेशा की तरह 11 बज चुके हैं और मौसम बिल्कुल क्लियर हो चुका है, धूप आ चुकी है, सिर्फ रात में हल्के फुल्के 2-3 घंटे बारिश होती है, बाकी दिन भर मौसम अच्छा रहता है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, मौसम कुछ ऐसा हो चुका है, अभी तक थोड़ी देर पहले कोहरा था, बाकी अभी मौसम काफ़ी खूबसूरत हो चुका है, सुंदर हो चुका है। ये देखिए, दोस्तों यहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर का जो पीस आ रहा है, इतने सारे लोग लेके जा रहे हैं, देखिए। बहुत भारी होता है ट्रांसफार्मर, बहुत ही ज्यादा, 1000-1200 किलो का या उससे भी अधिक, तो लगे हुए हैं कम से कम 10-15। हेमकुंड साहिब की गलत अफवाह बहुत सारे लोगों ने फैलाई है, उसके डर से कई लोग, कई संगतें आ नहीं रही है। बाकी जो यहाँ आ रहे हैं वो खुद शॉक्ड है कि इतना अच्छा मौसम है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो यात्रा क्यों नहीं चल रही। तो प्लीज़ दोस्तों गलत अफवाहों पे जल्दी विश्वास ना किया करें, आएँ। अगर वाहेगुरु जी बुलाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी है कि वो आपको सकुशल घर लौटाएँ, सकुशल दर्शन करवा करके आपको कोई दिक्कत परेशानी ना होने दें। देखिए घोड़े खच्चर वाले कितने खाली खाली से हैं, उनका भी रोजगार है 4 महीने का, उन्हें घर पालना है, असंगतें कम होगी तो उन्हें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो दोस्तों आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। हैप्पी होने का रीज़न ये है क्योंकि जिनको मैं फॉलो करता हूँ बहुत टाइम से, जो काफ़ी बड़े यूट्यूबर भी हैं, पंजाबी कपल ट्रैवल करके उनका चैनल का नाम है यूट्यूब चैनल का, और उनका मुझे आज कॉल आया, और वो कल या परसों गोविंद धाम में आएंगे और मुझसे मिलेंगे, उन्होंने कहा कि मिलेंगे, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब बहुत ग्रेटफुल भी हूँ सभी पर्सन का जिन्होंने ये रिक्वेस्ट करी थी कि मुझसे मिलने के लिए। थैंक यू सो मच सबका, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बस उनका इंतज़ार है, कल या परसों तक वो जरूर आएंगे, उनके साथ भी वीडियो शूट करूँगा। पंजाबी ट्रैवल कपल्स, आई होप सो वी विल मीट सून, और मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आपसे मिल पाऊँगा। बहुत ही इंतज़ार कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अब तो इंतज़ार नहीं हो रहा है आप लोगों से मिलने का। तो दोस्तों कल के अकॉर्डिंग आज काफ़ी क्राउड है, कल के हिसाब से, कल कम थे परसों कम थे, उनके हिसाब से आज काफ़ी अच्छा क्राउड है, काफ़ी अच्छी संगतें जो हैं आ रही हैं दर्शन के लिए लगातार।
दोस्तों यहाँ पे वीर जी भी आए थे यात्रा करने के लिए हेमकुंड साहिब में, और दो दिनों की यात्रा, एक दिन वैली ऑफ फ्लावर, एक दिन हेमकुंड साहिब। आज हेमकुंड साहिब गए थे ना, तो करके आए, बिल्कुल पैदल यात्रा करी है सभी ने। एक बार पूछ लेते हैं कैसी रही है आपकी यात्रा। यात्रा बहुत अच्छी रही, और प्लीज़ यहाँ पे आके स्टे जरूर कीजिए, बहुत अच्छी फैसिलिटी है, रहना खाना बहुत अच्छा है यहाँ पे। नहीं ये बताइए, जैसे अफवाहें फैली थी कि मौसम खराब है यात्रा, ऐसा कुछ नहीं है, ये र्यूमर था। मौसम बढ़िया चंगा है, मौसम बहुत अच्छा है। हाँ जी, आओ परिवार के साथ आओ, सब आ रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ जी, और जो ये कह रहे हैं कि एक तारीख तक यात्रा बंद है, ऐसा कुछ नहीं, आप देख सकते हो सब आ रहे हैं और अच्छे से दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, बाकी मिलकर आप कौन से सिटी से आए हैं सब लोग? दिल्ली से। दिल्ली से आए हुए हैं, इतनी गर्म जगह से, लगभग 45 से 48 डिग्री टेम्परेचर से, बिल्कुल एक दो डिग्री टेम्परेचर में। ये देखो हुड पहन लिया है, अभी नीचे जाते हैं सब उतरेंगे। बाकी मिलके अच्छा लगा, अगले साल फिर मुलाकात होगी। एक बार बोल दो, बोले सो निहाल। तो दोस्तों इवनिंग का टाइम हो चुका है, 6:30 बज चुके हैं, और देखे पहाड़ियाँ किस तरीके से, जो बादल है कैसे पहाड़ी पे कम कम मात्रा में आ रखी हैं, और जो संगतें हैं वो लगभग सारी पहुंच चुकी है। और दो दिनों के मुकाबले आज संगतें बहुत ज़्यादा, दो दिन अगर 2,500 संगतें आ रही होंगी तो आज लगभग 3,350 संगतें आई हैं, और मौसम काफ़ी अच्छा है देखे ऊपर। तो आज मौसम भी अच्छा है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, और इसी के साथ आज का व्लॉग एंड अप करते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय करते हैं, एंड अप करते हैं व्लॉग। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।